अस्सलामु अलैकुम। उज़्मा हेल्थ सेंटर में तमाम देखने वालों और सुनने वालों को खुश आमदीद। नाज़रीन, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप बढ़ते वजन को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी एक्स्ट्रा चर्बी को आप किस तरह से पिघला सकते हैं और अपनी बैली को किस तरह से फ्लैट कर सकते हैं। नाज़रीन, वैसे तो आपने बहुत सारी यूट्यूब पर वजन को कम करने के हवाले से वीडियोज देखी होंगी और कुछ वीडियोस में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिले होंगे और कुछ वीडियोस से आप सेटिस्फाइड नहीं हुए होंगे। लेकिन नाज़रीन, आज मैं जो रेमेडी आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूं, ये एक ऐसा जादुई ड्रिंक है जो सिर्फ 30 दिनों के अंदर आपकी बढ़ती चर्बी को बिल्कुल गायब कर देगा, आपकी बैली को फ्लैट कर देगा। चाहे ये चर्बी आपके हिप्स पर हो, आपके थाइस पर हो या आपकी बैली पर हो, इसे आसानी से रिड्यूस करता है, खत्म कर देता है, पिघला देता है। नाजरीन, जो दोस्त, जो भाई, जो बहनें ये चाहती हैं कि चंद ही दिनों के अंदर उनकी बैली बिल्कुल फ्लैट हो जाए, उनकी चर्बी बिल्कुल पिघल जाए, तो इसके लिए हमारी इस वीडियो को मुकम्मल वॉच करें। वेलकम बैक टू उज़्मा हेल्थ सेंटर। जी हां नाजरीन, अब आप इस जादुई ड्रिंक से अपनी बढ़ती चर्बी को कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी बैली को बिल्कुल फ्लैट कर सकते हैं और अपनी मर्जी के मुताबिक अपने बढ़ते वजन को कंट्रोल कर सकते हैं। नाजरीन, नुस्खा शुरू करने से पहले मेरी तमाम व्यूअर से पर्सनल गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल उज़्मा हेल्थ सेंटर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो उन दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि नीचे दिए गए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ ही खड़े घंटे के निशान पर जरूर जोर दें ताकि नई आने वाली अपडेट्स आप दोस्तों को बरवक्त मिलती रहें। तो नाजरीन, चलते हैं अपने नुस्खा की जानिब, अजान नोट फरमा लें। नाजरीन, सबसे पहले आप एक गिलास पानी लें और उसे किसी पैन में डाल दें या किसी बाउल में डालकर आप उसे हल्की आंच पर गर्म करें, यानी कि बॉयल करें। बॉयल करने के दौरान हाफ कप जब पानी बाकी रह जाए तो आप उसे उतार कर हल्का सा ठंडा कर लें और किसी गिलास में डाल दें। उसके बाद नाजरीन, इसके अंदर आपने एक चम्मच सिनामिन पाउडर यानी कि दारचीनी के पाउडर का डालना है, सिर्फ 1 टेबलस्पून। उसके बाद जो दूसरी चीज इसमें इस्तेमाल की गई है वह है एप्पल साइडर विनेगर यानी कि सेब का सिरका। आपने 2 चम्मच सेब के सिरके के इस पानी के अंदर डालने हैं। और इसमें जो तीसरी चीज इस्तेमाल की गई है वह है हनी। ये ऑप्शनल है क्योंकि ये हस्बे जायका होती है, जायके को चेंज करने के लिए होती है। अगर आप डायबिटीज यानी कि शुगर के पेशेंट नहीं हैं तो आप इसके अंदर 1 चम्मच हनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप डायबिटीज यानी कि शुगर के पेशेंट हैं तो आप हनी को स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन नाजरीन, ये आपके ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करती है, साथ ही ये आपकी जो डायबिटीज है उसे भी कंट्रोल करती है और आपके बढ़ते वजन को भी कंट्रोल करती है। नाजरीन, इन तीनों चीजों को आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद कोशिश करें कि आप सुबह निहार मुंह यानी कि बगैर कुछ खाए, बगैर कुछ पिए, जब आप सुबह नींद से उठें तो इसे सिर्फ 1 गिलास को आप पी लें। उसके आधे घंटे बाद आप नाश्ता भी कर सकते हैं। नाजरीन, आप अगर रेगुलर सिर्फ 30 दिन इस ड्रिंक को इस्तेमाल करते हैं, कोई एक्सरसाइज ना करें, कोई वर्जिश ना करें, कोई डाइटिंग ना करें, सिर्फ इस ड्रिंक को नाश्ते से पहले यानी कि निहार मुंह इस्तेमाल करें, नाजरीन, आपको इतना इफेक्टिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं 30 ही दिनों के अंदर आपकी मुकम्मल जो बढ़ती हुई चर्बी है बिल्कुल गायब हो जाएगी, बर्फ की तरह पिघल जाएगी, आपका वजन बहुत सारा रिड्यूस हो जाएगा, आपकी जो बैली है, ये जो भद्दा सा पेट है, बिल्कुल गायब हो जाएगा। नाजरीन, मैं उम्मीद करता हूं मेरी आज की ये देसी हर्बल टिप्स जो कि चर्बी को खत्म करने के हवाले से और वजन को कंट्रोल करने के हवाले से और आपकी बैली को फ्लैट करने के हवाले से थी। आई होप जिन दोस्तों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल उज़्मा हेल्थ सेंटर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उन दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि नीचे दिए गए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ ही खड़े घंटे के निशान पर जरूर जोर दें ताकि नई आने वाली अपडेट्स आप दोस्तों को बरवक्त मिलती रहें। तो नाजरीन, फिल वक्त मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगली ब्यूटी टिप्स के साथ, अगली देसी हर्बल टिप्स के साथ। अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।